अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अशरफ आसफ जलाली का वो क्लिप सुनाएंगे कि जिसमें उन्होंने हुकूमत को ख़बरदार करते हुए कहा है कि फौरी तौर पर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी को रिहा किया जाए। इसके अलावा जितने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया उनको भी फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आप जानते हैं कि जब से अल्लामा साद हुसैन रिज़वी को गिरफ़्तार किया गया है, हुकूमत को मुसलसल ख़बरदार किया जा रहा है कि फौरी तौर पर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी को रिहा किया जाए। पिछले दिनों आपने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया था और एहतजाज की कॉल दी थी। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा था कि हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान पर होने वाले जुल्म की शदीद मुज़म्मत करते हैं और हुकूमत को ख़बरदार कर रहे हैं कि आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुतालबात पर फौरी तौर पर अमल करें। तो जी नाजरीन, आएँ अब आपको अशरफ आसफ जलाली का वो क्लिप सुनाते हैं। मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी सबको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि अशरफ आसफ जलाली ने वाज़ह तौर पे कहा कि फौरी तौर पर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी को रिहा किया जाए। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह।